डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे इंसान, बचपन से ही या तो इनको जिम्मेदारियों में बांध दिया गया या आगे चल के ये जिम्मेदारियों में आ जाएंगे, थोड़े से रहस्यमय प्रवृत्ति के भी होते हैं, ईमानदार होते हैं, सिंसियर होते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में बहुत कम चांस है कि ये किसी से मदद मांग ही लें। जी हाँ मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मकर राशि वालों की। कैसा रहने वाला है जुलाई का माह, कैसा रहने वाला ही नहीं है, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आपको आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। मेरे साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण मेरे माध्यम से हो, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि आपके मैसेज पर कोई रिप्लाई कर रहा है या अपना नंबर शेयर कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे रहने वाली है ग्रहों की स्थापना मकर राशि वालों के लिए। बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस माह के अंदर शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध का गोचर आपके जीवन में बहुत इफेक्ट डालने वाला है। आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा जो भी होगा एकदम क्लियर, बट आप समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मेरे साथियों, सबसे पहले गोचर 7 जुलाई को शुक्र वृषभ राशि में, 13 जुलाई को मंगल, माफी चाहूंगा, 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में, और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। ग्रहों की स्थापना की बात करूं तो सेकंड हाउस में आपके शनि, थर्ड हाउस में राहु, फोर्थ हाउस में मंगल, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, छठे भाव में सूर्य और शुक्र, सप्तम भाव में बुध, और नवम भाव में आपके केतु विराजमान रहेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले जानेंगे हम आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूँ स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लग्नेश, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि बैठे हों आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में। जब लग्नेश सेकंड हाउस में बैठे हों, लग्नेश अगर धनेश हो जाए तो डर का आएगा, फिर क्या सोचना। लेकिन शुक्र और सूर्य दोनों ही सिक्स हाउस में है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिए, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो अपने जीवन को आपको करना क्या है, संन्यास बना लेना है, तटस्थ कर लेना है, यानी कि बिल्कुल सादा खाना खाना है। बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी बाहर का फूड नहीं खाना, अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान भी आप कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों से बचें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 जुलाई से पहले वो भी आपको थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहने, क्योंकि 7 जुलाई के बाद शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे। बात करें आपके एजुकेशन की, आप लोग जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको कि पंचम भाव से देखते हैं आपकी एजुकेशन, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र जो कि बैठे हुए हैं छठे घर में। मेरे साथियों, 7 जुलाई के बाद शुक्र सेवंथ हाउस में आ जाएंगे, ये बन जाएगा केंद्र त्रिकोण योग। पर मेरे साथ जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो बहुत अच्छा, जो भी आपको कुछ भी नया डिसीजन लेना है, कुछ बड़ा करना है, संभव है तो 7 जुलाई से पहले ही कर लें, उसके बाद तो मैंने बोला है कोई डर नहीं है। 7 जुलाई के बाद आपको कोई डर नहीं है, 7 जुलाई से पहले आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। जो भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है वो 7 जुलाई के बाद अवश्य लीजिए, कोई डर नहीं होगा। बात करें आपकी लव लाइफ की, पांचवां घर ही होता है मेरे साथियों आपकी लव लाइफ का, पांचवें घर से ही देखते हैं हम आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाला आपका रेपुटेशन। पांचवें घर के स्वामी मैंने बोला छठे भाव में बैठे हुए हैं, 7 जुलाई के बाद वो सेवंथ में आ जाएंगे मेरे साथियों, ये बन जाएगा केंद्र त्रिकोण योग। मैंने भी आपको बताया लव रिलेशन, लव लाइफ को अगर आप चाहते हो कि मैरिज में कन्वर्ट करें तो सबसे बेहतर समय होता है अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, तो मैं कहूँगा यही वो समय है जब आपको किसी को इजहार करना हो, जब अपनी लव लाइफ को किसी के सामने, या मान लीजिए आपके जो पार्टनर हैं उसकी फैमिली के सामने जाकर आपको प्रेजेंट हो रहे हैं कि हाँ जी मैं प्यार करता हूँ या मुझे आगे शादी करनी है, तो यही समय बेहतर होता है। कौन सा, जब पंचम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो, तो उस समय आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, अपने जो प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं उनके परिवार से जाकर बात कर सकते हैं और आपके लव लाइफ को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि 7 जुलाई तक अगर बचना है तो फेक कमिटमेंट से बचना है, कोई भी आपको झूठे अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में, थोड़ी सी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप मकर राशि के हैं, आप थोड़े से रहस्यमय भी हैं, सामने वाला कई बार आपको समझ नहीं पाता, ऊपर से कई बार वाणी अगर आपकी कड़वी हो जाए या फिर जो मैंने आपको कहा कि फेक कमिटमेंट कर दें तो उसके मन में आपको लेकर के संदेह हो जाएगा कि मैंने बताया आप थोड़े से रहस्यमय तो हैं। 7 जुलाई तक आपको सावधान रहना होगा। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, कहना ही क्या, हर 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, आप देखिए कि आप कर्क लग्न या मकर लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है, विशेषकर 2 लग्नों की मैं बात करूँगा, कर्क और मकर, इसमें कभी भी जो आपका व्यक्तित्व है वो सामने वाले आपके पार्टनर से कभी मैच कर ही नहीं पाता,
यानी आपको शुरुआत जो अपनी मैरिज लाइफ की वो अड़चन से ही करनी पड़ती है। ये सच है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि मैं अभी गोचर की बात कर रहा हूँ, आपको मैं एकदम स्टिक बता रहा हूँ कि करक राशि, मकर राशि, करक लगन, मकर लगन, ये वो हैं जिनके वैवाहिक जीवन में शुरुआत में मतभेद होता ही है, भले थोड़ा हो भले ज़्यादा हो, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, परंतु होगा जरूर। बुध आपके सप्तम भाव में बैठकर उसको बचाने का काम करेंगे, लेकिन मंगल राहु भी दृष्टि बनाए हुए हैं जो कि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा शक नहीं रखना, बार बार मूड स्विंग होने से बचना है, और पार्टनर की भी कई बार बात को सुनना है, समझना है, सिर्फ अपनी बात को प्रेजेंट नहीं करना है। यानी ऑल ओवर अगर आप मैनेज कर लें तो ठीक ठाक निकल जाती है मैरिज लाइफ इस माह के अंदर। बात करें आपके महत्वपूर्ण विषय भाग्य की, भाग्य के स्वामी बुध जो कि बैठे हुए सप्तम भाव में, 19 जुलाई से पहले बुध यहीं पर रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। 19 जुलाई से पहले बुध का आपको फुल सपोर्ट है, यानी मैं कहूँ कोई बड़ा डिसीजन लेना, शुभ कार्य, मंगल कार्य, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी एनीथिंग जो आपको करना है भाग्य के भरोसे कर डालिए, डरना नहीं है। उसके बाद जब वो अष्टम में आ जाएंगे तब मैं कहूँगा कि भाग्य का स्वामी अगर संघर्ष के भाव में बैठ जाए तो आपका भाग्य है कहाँ, संघर्ष में, उसके बाद भी डर क्या, अगर संघर्ष से भी आपका भाग्य आपका साथ दे तो कोई डरना नहीं है, डर उसके बाद भी नहीं है, लेकिन उस समय आपको संघर्ष करना पड़ेगा 19 जुलाई के बाद, उससे पहले भाग्य आपसे एक कदम आगे आपके साथ चलेगा। बात करें आपके कैरियर की, 10th लॉर्ड शुक्र 6th हाउस में प्रिय साथियों, और 7 जुलाई के बाद जब ये 7th हाउस में आ जाएंगे तो दशमेश अपने घर से दशम स्थान में, यानी कि अपने घर से जो दशम भाव का स्वामी अपने घर से दशम स्थान में चला जाएगा, यानी बढ़िया, मैं कहता हूँ इजिली आप पे काम बनेंगे। बस थोड़ा सा मैंने आपको कहा है कि मन पर नियंत्रण रखना, ओवर थिंकिंग से बचना, अपने आप की प्रेजेंटेशन को ठीक रखना, भावनाओं में नहीं बहना, और जो आपकी प्रवृत्ति है रहस्यमयी उसको वैसा ही बनाकर रखो, मगरमच्छ की तरह जल के अंदर रहिए। जब आपको शिकार करना है बाहर आए, शिकार किया और उसके बाद वापसी पानी के अंदर जाकर के बैठ गए, आपके सीक्रेट्स, आपके मन के भेद आपके जो ऑफिशियल लोग हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप अपने सारे ही पत्ते खोल दोगे, सारे ही भेद खोल दोगे तो सामने वाला आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगा। बात करें मेरे साथियों आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड आपको पता है आपके बुध जो कि 6th हाउस में है, मेरे साथियों शुक्र भी 7th में आ जाएंगे और ये भी 7 जुलाई के बाद 7th में आ जाएंगे। जब आपके शुक्र 7th हाउस में आ जाएंगे यानी कि 7 जुलाई के बाद, बुध वहाँ पहले से ही होंगे, तो ये शुक्र और बुध का बन जाएगा लक्ष्मी नारायण योग, बहुत बढ़िया है। अगर आपका काम शुक्र से रिलेटेड है, कोई खाने पीने का, कोई श्रृंगार का, कोई बाहर का, कोई होटल लाइन का, या फिर आपका काम बुध का है, कोई वाणी का, ज्योतिष का, वकील का, टीचर का, तो समझ लीजिए फिर आपका ये बढ़िया समय होगा, बहुत बढ़िया समय होगा। यानी कि आपका 19 जुलाई से पहले तो और बढ़िया बिजनेस के मामले में। अब उपाय क्या करना चाहिए, उपाय जान लीजिए, आपको शुक्र का बीज मंत्र जाप करना है मेरे साथियों, हनुमान चालीसा तो बनी ही है, वो तो करनी ही है आपको, और अच्छे के लिए, अपने मन के लिए, एक अच्छे डिसीजन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आप शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक नित्य कीजिएगा पूरे माह, अच्छे परिणाम आएंगे। कैसी लगी जानकारी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।